ऐसा कुछ हमारा शानदार सा इसका डैशबोर्ड मिल जाता है। ये सेम यार मैंने आपको पहले, आपने वीडियो देखी होगी ना, तो ये आपको काइगर के अंदर मिल जाएगा, ये सेंसर वाला बटन, और यहाँ पे ये माइक मिल जाता है उसके अंदर भी सेम। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक और नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, गाड़ी हमारे पास निशान की मैग्नाइट XL मैनुअल हमारा ये मॉडल रहेगा। 1000 cc इंजन के अंदर ये आती है हमारे को, और ये तो पावर देती है 72 की और 96 की। गाड़ी की एवरेज की बात करते तो 19 समथिंग कंपनी हमारे को क्लेम करके देती है, वही इस गाड़ी की एवरेज आपको इतनी मिलने वाली है। ये गाड़ी काइगर के सेम आपको मिलने वाली है, सेम सा लुक आपको, हल्का सा काइगर में मेरे समथिंग ऐसा कुछ रहेगा, अभी थोड़ा सा मॉडिफाई आपको रूफ रेल पे मिल सकता है, बाकी सारा कुछ आपको इसमें काइगर जैसा पावर टोरक वैसे मिलने वाली है। इसके अंदर भी आपको टर्बो इंजन मिल जाता, वो हमारे को पावर देता 100-160 की ऐसे मिलने वाली है, उसमें थोड़ी सी एवरेज आपको 20+ की होने वाली हुई। और ये वाला जो हमारा मॉडल है सिंपल, हमारा जो पेट्रोल इंजन है वो, उसके अंदर ये गाड़ी आती है। निशान मैग्नाइट में यही एक गाड़ी आती है भाई, यही मॉडल है फिलहाल के लिए। लेगरूम स्पेस काफी अच्छा मिल जाता आपको यहाँ पे, ऐसी कुछ आपकी सीटें रहेंगी, एडजस्टेबल आपके हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बीच में आपको ये आर्म रेस्ट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऐसी सीटें रहेंगी हमारी नीचे। अंदर बैठ के दिखाते हैं, काफी अच्छा सर आपको स्पेस मिल जाता है, सीटों के पीछे हमारे को पॉकेट नहीं मिलेंगी, सिंपल रहेंगी। ऊपर हमारे को हैंडल बार मिल जाती है, इधर हमारे कैरी करने के लिए हुक है, बीच में आपको लाइट मिल जाती है, ऐसा कुछ हमारा शानदार सा इसका डैशबोर्ड मिल जाता है। पीछे यार हमारे को ना यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता, सिंपल आपको पर्स वगैरह रखने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। एक बार फ्रंट में एंट्री कराते हैं आपकी, ऐसे हैंडल यहाँ से करेंगे एंट्री गाड़ी के अंदर। यहाँ पर हमारे को ना पावर के कंट्रोल मिल जाते हैं, सभी हमारे आउटसाइड मिरर है उसके कंट्रोल मिल जाते हैं, पावर के कंट्रोल, ड्राइवर वाली विंडो 1 टच अप डाउन रहेगी, और इधर हमारा फैब्रिक का पोस्टर मिल जाता है। हमारे जो हैंडल है आपको सिल्वर के अंदर मिल जाते हैं, इधर भी बोतल के लिए स्पेस, स्पीकर, ऐसा कुछ अंदर का इंटीरियर रहेगा इसका। फोर वे में एडजस्टेबल आपको ड्राइवर वाली सीट मिल जाएगी आगे पीछे, और रिक्लाइन डिक्लाइन, आपके पैडल्स, डायरेक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, फ्रंट की लाइट कंट्रोल, एसी के वेंट पर सिल्वर का स्टफ मिल जाएगा, का स्टीयरिंग मिलने वाला, स्टीयरिंग के ऊपर निशान का लोगो, 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, सिल्वर का स्टफ मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे सोर्स से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ पे ये बटन दिया हुआ कॉल के लिए, यहाँ पे कॉल का और म्यूट का ऑप्शन मिल जाता है। स्टीयरिंग हमारा इस टिल्ट स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, वाइपर कंट्रोल, इधर हमारा लाइट कंट्रोल, ऐसा कुछ हमारा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक साइड आपको RPM, बीच में आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है, लो फ्यूल वार्निंग का ऑप्शन, टेम्परेचर, फ्यूल, सीट बेल्ट का अलर्ट रहेगा, यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सिंपल टच रहेगा, इस पर डायरेक्ट टच होता है, जो इस ऊपर वाला मॉडल आता ना उसमें ही आपको अलग यहाँ पे गिलास लगा हुआ मिल जाता है। प्रीपेट्री बी रेंज एवरेज फ्यूल यूज सर्विस इंफॉर्मेशन और टायर प्रेशर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे को मिल जाती है, ऐसा कुछ हमारा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है। 4 आपके AC के वेंट मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको ना ड्यूल टोन का ऑप्शन मिल जाता है, ऊपर ब्लैक और यहाँ पर क्रीम रहेगा। बड़ा सारा आपको ग्लू बॉक्स मिल जाता है, ग्लू बॉक्स के अंदर काफी स्पेस, सर्विस बुक और आपको फास्ट एड किट मिल जाती है। यहाँ पर हमारा म्यूजिक सिस्टम रहेगा, ये हमारा रहेगा म्यूजिक सिस्टम FM, यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं बिल्कुल। रेडियो रहेगा इसके अंदर, यहाँ से इस पे कुछ कंट्रोल हमारे दिए हुए हैं, आगे पीछे मेन्यू, इसको ऑन करते हैं, रेडियो सेटिंग, ब्लूटूथ का इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर हमारा डिफोगर, पार्किंग, लॉक अनलॉक गाड़ी का, ऐसे सेम काइगर वाला सिस्टम मिल जाता है आपको, ये भी पैनल काइगर वाला। इधर हमारा एयर डायरेक्शन, इधर हमारा टेम्परेचर बटन, फैन स्पीड, और यहाँ पर बीच में हमारे AC के बटन दिए हुए, बाहर की हवा, फ्रंट पे, ऑटो पे इसको कर सकते हैं हम। नीचे भी आपके लिए फोन है ना, यहाँ पे इसके रखने के लिए स्पेस, और यहाँ पर भी फोन रखो या पर्स वगैरह, इधर हमारा चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। 5 गियर के अंदर गाड़ी, बैक वाला गियर अगर हम लगाते हैं तो इसका हल्का सा प्रेस करके लगाएंगे वो बैक गियर लग जाएगा। सिल्वर का स्टफ ये मिल जाता है आपको, गियर के ऊपर की तरफ ये पैनल अलग से दिया हुआ, इसमें अलग सा लग्जरी सा थोड़ा लुक मिलता है आपको ये देखने में। 2 आपके ना कप होल्डर मिल जाते हैं, सिंपल हैंड ब्रेक रहेगा हमारा, यहाँ पर हम पर्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ आपको ना इसका फ्रंट का इंटीरियर मिलने वाला, और यहाँ पर हमारे को हैंडल बार, वेंटी के अंदर आपको मिरर मिल जाता है, ये हमारी लाइट रहेंगी इधर की। ये सेम यार मैंने आपको पहले, आपने वीडियो देखी होगी ना, तो ये आपको काइगर के अंदर मिल जाएगा, ये सेंसर वाला बटन, और यहाँ पे ये माइक मिल जाता है उसके अंदर भी सेम, और भाई हमारे को यहाँ पर ये मिल जाता है हमारा सनवाइजर, ये हमारी निशान की मैग्नाइट गाड़ी की ना हमारे को 2 की मिल जाती, दोनों की पर हमारे को लॉक और अनलॉक का बटन मिल जाता है। इधर हमारा निशान की बैजिंग मिल जाती है,
ये हमारा गाइस व्हाइट कलर है, निशान मैग्नाइट जो इसका मॉडल है XL है। एक बेस मॉडल आता है XE और एक XL, एक XV और XV के अंदर प्राइम आता है हमारा ड्यूल टोन। कई सारे ऊपर मॉडल आ जाते हैं, वैसे नॉर्मली हमारे 3 ही मॉडल हैं, XL मॉडल है गाइस। अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो एक्सोरूम ये हमारा 7,04,000 रुपये के अंदर हमारा इसका एक्सोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस आप अपनी एजेंसी में जाकर विजिट कर सकते हो, भाई ये वाला मॉडल आपको कितने रुपए में होने वाला है भाई सही में। वो तो सभी एजेंसियों का यार अलग अलग से रहता है। गाड़ी के एवरेज की हम बात करते तो हमारे को यार वो 18+ की एवरेज मिल जाती है। 1000 सिंपल इंजन के अंदर ही आती है, एक टर्बो इंजन के अंदर भी आती है, उसमें पावर और टोरक हमारी बच जाती है। इसमें आपको जो जो साइड में हमने दिखाया है, बाहर का लुक है और वो सारा कुछ ऑल ऑफ आपको ये ही इंटीरियर इसके अंदर मिलने वाला है। हमारे जो व्हील थे ना, इसमें आपके देखिए साइडों में ये हमारे सिंपल कवर मिलने वाले हैं। आप एलॉय मत सोचना इसको, ये हमारे सिंपल व्हील रहेंगे। फ्रंट के ब्रेक हमारे डिस्क के अंदर, बैक के हमारे ड्रम के अंदर वो आपको मिल जाते हैं। गाइस ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमारे को कमेंट शुरू करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।